ਦਿਲਦਾਰ ਲਵਰਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪੇਅਰ ਦਿਲਦਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠ ਦਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਰਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭੱਟੀ ਦੀ ਫਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਉਨਕੋ 85 ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਥਾ, ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਕਰਤਾ ਥਾ ਮੇਲਾ, ਤੋ ਉਸਮੇ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇ ਵਹਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਆ ਥਾ। तो उस दिन से ले कर फिर 94 तक मेरा उनका साथ रहा आखिरी दम तक। ये नाल दिलदार साहब की दुआवां ने, साड़ियां भी दुआवां ने, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह दिलदार साहब नूं असीं हमेशा याद रखांगे। दिलदार परवेज भट्टी साहब जिनके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जब ऐसी शख्सियात को हम याद करते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती की बात नहीं है। पंजाबी जबान का यानी वो अलंबरदार था और मैं ये सेरा उसी के सारा है कि उन्होंने पंजाबी जबान का स्टेज शो शुरू किया, इतना कामयाब हुआ कि आज भी जबान ज़द आम है, आज भी पुराने प्रोग्राम उसी के चलते हैं, कोई नया प्रोग्राम उसकी कॉपी नहीं किया जा सका, चूँकि ना ऐसा बंदा पैदा हो सकता है ना वो ऐसा काम कर सकता है। दिलदार परवेज भट्टी साहब ओ भट्टी सन जड़ी भट्टी अज भी धुख रही है और उहदे च हज़ार आर्टिस्ट जिहड़े ने उहनां दे नक्शे कदम नूं फॉलो करदे होए चल रहे ने। इन्ने जिंदा दिल बंदे सन, यकीन करो ते उहनां दीआं चीज़ां बयान नहीं हो सकदीआं। मैं कई दफ़ा सोचना इहनां ते किताब एक लिखां जिहड़ी मैनूं पता चीज़ां दा उह लिखां। मैं कुछ इकट्ठा कीता होया, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करांगा कि उहनां दे बारे च लिखांगा। ते मैं जुबानी में दस नहीं सकदा कि उह किस तरह दे बंदे सन। इन्ने अच्छे बंदे दुनिया ते नहीं हो सकते। दिलदार परवेज भट्टी के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे और फिराज भट्टी साहब को इतनी हिम्मत दें कि वो हर साल हर जब उनका दिल करे पूरी ज़िंदगी जब तक वो खुद भी ज़िंदा, अल्लाह इनको भी ज़िंदगी दे और ये इसी तरह उनका नाम जो है ज़िंदा रखे। लेकिन मैं उनको प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखता था, बड़े पसंद थे उनकी बातें, उनका बोलना, उनका बात करना, उनका स्टाइल। मेरा ख्याल कम लोग हैं पाकिस्तान में दिलदार परवेज भट्टी जैसे स्टाइल वाले लोग। हमें हमेशा अंग्रेज़ी उन्होंने पंजाबी में पढ़ाई और मैं एमए इंग्लिश कर गया। एक रेड़ी वाले का बेटा, तो ये उनका फैज़ था। अल्लाह ताला करवर करवर जन्नत नसीब करे उनको, उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। हम सब जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं ये सब दिलदार भट्टी साहब के ही सारे मिलने वाले हैं, ख़ास करके सईद भट्ट साहब की बात करूंगा, ए नैयर साहब की बात करूंगा, हुसैन शाह साहब की बात करूंगा, शुजात हाशमी साहब की बात करूंगा, मुदस्सर भट्ट साहब की बात करूंगा। ये सब भट्टी साहब के दिलदारे थे, दिलदादे थे सारे। दिलदार परवेज भट्टी साहब के साथ कुछ मुलाकातें हैं कुछ प्रोग्राम्स में, उनका साथ मिला है, खुशनसीबी है हमारी। 1990 में बहावलपुर में नूर जहां शो के नाम पर एक शो हुआ और उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर्स मौजूद थे और कंपेयर दिलदार परवेज भट्टी साहब थे। जब वो शो वहां लाने वाला प्रमोटर वहां बहावलपुर आया तो उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास और क्या है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पास दिलदार परवेज भट्टी है। स्पेशली बंडल ऑफ थैंक्स चेयरमैन पंजाबी मीडिया ग्रुप मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब का कि इन्होंने मोहब्बत फरमाई, शफकत फरमाई। और स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा जो अगर मशहूर हूँ या मैं समझ सबसे ज़्यादा एहसानमंद हूँ तो वो मैडम गज़ल शाह साहबा का हूँ। इनके लिए क्लैपिंग कर दें प्लीज़, जिन्होंने मुझे हौसला दिया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराने में। ठाकुर लाहौरी साहब हैं, गज़ल शाह साहिबा हैं, साजिद यजानी साहब हैं और सबसे पहले मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब हैं। इस मौके उत्ते नासिर बेराज, मून परवेज, रागनी, नईम फरीदी ते होर मन्ने परमन्ने फनकारा अपने फन का मुजाहरा किया। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ
ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਰਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸ਼ੁਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖਤਾਮ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਸਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਸਗਰ ਭੱਟ, ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ, ਲਾਹੌਰ।